हम राजस्थान का भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे थे। भौगोलिक विभाजन में हमने उत्तर पश्चिमी मरुस्थल पूरा पढ़ लिया था। सेकंड है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। आपको पता है अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और राजस्थान में भौगोलिक क्षेत्रों में सर्वप्रथम किसका निर्माण हुआ था? अरावली का निर्माण हुआ था। अब देखते हैं, अरावली का राजस्थान में विस्तार कहाँ का है? देखिए, अरावली पर्वतमाला की जो शुरुआत है, जो या फिर जो स्टार्ट होती है, ये यहाँ राजस्थान में, ये भारत के दक्षिण पश्चिम में मिनिकाय द्वीप समूह है। मिनिकाय लक्षद्वीप का जो मिनिकाय द्वीप समूह है, मिनिकाय लक्षद्वीप का, वहां से अरावली पर्वतमाला की शुरुआत मानी जाती है। मिनिकाय द्वीप समूह लक्षद्वीप से अरावली पर्वतमाला की शुरुआत मानी जाती है। और ये लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ये स्थित है अरब सागर के अंदर, ठीक है ना? कहाँ स्थित है? अरब सागर के अंदर। इसीलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरब सागर को क्या कहा जाता है? अरावली का पिता कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हो रही है? अरब सागर में स्थित मिनिकाय द्वीप समूह से अरावली पर्वतमाला की शुरुआत मानी जा रही है। इसीलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। मिनिकाय से गुजरात होते हुए राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये जाती है। मिनिकाय से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। कुल लंबाई है इसकी 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में है 550 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? राजस्थान में 550 किलोमीटर। लगभग 80% ये राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है? और इसकी राजस्थान में जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 930 मीटर। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। देखिए, ये यहां से चलती है, दक्षिण पश्चिम से अरावली प्रवेश करती है और यहां पर निकल जाती है। उत्तर प्रदेश होते हुए यहाँ दिल्ली में जो रायसीना पहाड़ी है, जिसके ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो अरावली पर्वतमाला का ही हिस्सा है, ठीक है? राजस्थान में देखते हैं अपन इसको एक बार। राजस्थान में ये सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, जालौर का पूरी भाग यहां से शुरू होती है, ये झुंझुनू तक, और इधर ये ये पोर्शन है जो अरावली पर्वतमाला का। मैं जिले बता रहा हूं अभी आपको। इधर सर्वाधिक विस्तार है दक्षिण की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ सर्वाधिक विस्तार है, वे सर्वाधिक ऊंचाई है, और आगे की तरफ जाते जाते ये कटी फटी हो जाती है और इसकी ऊंचाई में भी कमी आ जाती है। इधर सर्वाधिक विस्तार है इसका उदयपुर में, न्यूनतम है जो मध्य अरावली में जो अजमेर है वहां पर इसका न्यूनतम विस्तार है, और सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उदयपुर के अंदर। देखिए, इधर जालौर का पूरी भाग, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, करीब करीब पूरे राजसमंद में ही अरावली पर्वतमाला है। भीलवाड़ा का पश्चिमी भाग, पाली का पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, वैसे 17 जिले हैं मुख्य रूप से जो कंप्लीट, जहां अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, और मुख्यतः 11 जिलों में फैली हुई है। ओवरऑल कितने में? 17 में, और मुख्य रूप से कितने जिलों में है ये? 11 जिलों में ये फैली हुई है। और ये झुंझुनू और ये जो अलवर का जो बीच का प्रदेश है, इसको बोलते हैं तोरावाटी प्रदेश। झुंझुनू और अलवर के बीच का जो क्षेत्र है, इसे तोरावाटी प्रदेश बोलते हैं। अध्ययन की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। ये झुंझुनू का जो खेतड़ी वाला पोर्शन है, खेतड़ी से जो सांबर झील है, जयपुर, नागौर, सीकर की जो सीमा पर सांबर झील है, इसको बोलते हैं उत्तरी अरावली, ठीक है? जिसमें सीकर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू वाला पोर्शन आ जाता है, ठीक है? इसको बोलेंगे उत्तरी अरावली। और सांबर से ये देवगढ़, सांबर से देवगढ़ राजसमंद, सांबर से देवगढ़ राजसमंद वाले क्षेत्र को बोलेंगे मध्य अरावली, ठीक है? और देवगढ़ से दक्षिण की तरफ ये जो पूरा पोर्शन है, इसको बोलेंगे दक्षिणी अरावली।
खेतड़ी सिंघाना से सांबर झील तक उत्तरी अरावली, सांबर झील से देवगढ़ राजसमंद तक मध्य अरावली, और देवगढ़ से दक्षिण में जो पूरा क्षेत्र है ये इसे बोलेंगे दक्षिणी अरावली। सर्वाधिक ऊंचाई किसकी है? दक्षिणी अरावली की। और सर्वाधिक हरा भरा क्षेत्र भी दक्षिणी अरावली है। जो ये ऊंची ऊंची चोटियां हैं अरावली की, वो भी कहाँ पाई जा रही है? दक्षिण अरावली के अंदर पाई जा रही है। ये अरावली का हमने विभाजन किया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। हम इनको इसी तरीके से पढ़ेंगे, उत्तरी अरावली को अलग पढ़ेंगे, दक्षिणी मध्य अरावली को अलग पढ़ेंगे और दक्षिण अरावली को अलग पढ़ेंगे। अभी अरावली की ओवरऑल जानकारी ले लेते हैं अपन। इसका जो उत्पत्ति काल है अरावली का, अरावली का जो उत्पत्ति काल है उसे प्री कैम्ब्रियन काल है अरावली का उत्पत्ति काल, जिसे पेलियोजोइक काल भी कहा जाता है। अरावली का उत्पत्ति काल कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन, जिसे पेलियोजोइक काल भी कहा जाता है। विस्तार है इसका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। विस्तार कहाँ है इसका? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये इस तरफ यू जा रही है, ठीक है। यहाँ चौड़ाई से धीरे 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 ये सकनी होती जा रही है। विस्तार का कैसा है इसका? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। ध्यान रखना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम मत कर देना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ इसका विस्तार है। उद्गम स्थल बताई दिया आपको, मिनिकाय द्वीप समूह लक्षद्वीप में जो है जो, और अरावली को इसका पिता का, अरब सागर को इसका अरावली का पिता कहा जाता है। कुल लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान में 550 किलोमीटर, लगभग 80% समुद्र तल से ऊंचाई है 930 मीटर। अब अरावली पर्वतमाला की कुछ स्थानीय पहाड़ियां हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो देखते हैं। बूंदी में अरावली को आडावाला पर्वत कहते हैं, बूंदी में अरावली क्या कहते हैं? आडावाला पर्वत कहते हैं। सिरोही में क्या कहते हैं इसको? आबू गुलाब। बूंदी में आडावाला पर्वत, सिरोही में आबू गुलाब। सीकर में कहते हैं इसको मालखेत की पहाड़ी, मालखेत की, बालखेत की पहाड़ी सीकर में। जालोर में कहते हैं इसको सुंडा पहाड़ी, केवल जालोर में सुंडा पहाड़ी कहते हैं। जालोर में बालोतरा के मध्य जो क्षेत्र है जहां मालानी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं, इस कारण वहां जो ये पहाड़ियां पाई जाती है उनको मालानी कहते हैं। जालोर में बालोतरा के मध्य मालानी, और केवल जालोर में सुंडा पहाड़ी। टोड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा था। आबू पर्वत दक्षिण अरावली में, सिरोही में, ठीक है। टोड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा था क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर हैं। आबू पर्वत क्षेत्र में बहुत सारे हिंदू मंदिर होने की वजह से ही टोड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा था। और गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ठीक है। इस पे 5 मीटर ऊंची दत्तात्रेय ऋषि की प्रतिमा है या मूर्ति है, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई 1727 मीटर मानी जाती है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिणी अरावली में ये सिरोही के अंदर, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसके ऊपर 5 मीटर ऊंची दत्तात्रेय ऋषि की प्रतिमा है, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई 1727 मीटर मानी जाती है। गुरु शिखर को टोड ने संतों का शिखर कहा था क्योंकि जब टोड यहाँ आए थे भ्रमण के लिए, तो उनको यहाँ पर काफी सारे संत तपस्या करते हुए दिखे थे, तो उन्होंने इसको संतों का शिखर कह के संबोधित किया था, ठीक है। और देख लेते कुछ जो धात्विक खनिज है राजस्थान के अंदर। धात्विक खनिजों में लगभग 70% खनिजों की उत्पत्ति अरावली पर्वतमाला से होती है। जो धात्विक खनिज है उनमें लगभग 70% खनिजों की उत्पत्ति स्थल कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम राजस्थान में अरावली से होता है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम अरावली से होता है, ठीक है। जल विभाजक रेखा, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में चर्चा की थी, 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा राजस्थान की जल विभाजक रेखा है, जो कि अरावली के पश्चिम में स्थित है और शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र को अरावली से अलग करती है, ठीक। हमने बात की थी, तो जल विभाजक रेखा, इसलिए अरावली को जल विभाजक रेखा बोलते हैं। आपको पता है जो अरब सागर से आने वाला मानसून, बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून, ठीक है, अरब सागर से आने वाले मानसून के तो अरावली समानांतर है। अरब सागर से आने वाले मानसून के अरावली समानांतर है, तो क्या होती है, ये जो आर्द्र जो हवाएं होती है जो बारिश लेके आती है, वो क्या करती है, आगे निकल जाती है, हिमाचल में जाके शिवालिक से टकरा के बारिश करती है, वापस आती है, हल्की हल्की बारिश कर देती है। यहाँ पर पूरी बारिश राजस्थान में नहीं हो पाती क्योंकि उन हवाओं के, मानसूनी हवाओं के अरावली पर्वतमाला समानांतर स्थित है। इन हवाओं के अरावली पर्वतमाला समानांतर स्थित है।
ठीक है, इसीलिए ये क्षेत्र अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है, इससे इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। और जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं हैं, बंगाल की खाड़ी से इस तरह से जो हवाएं आ रही है वो क्या करती है, अरावली पर्वतमाला उनको यहीं रोक लेती है, इस तरह बारिश करवा देती है और आगे वो जाके बारिश नहीं कर पाती। लेकिन स्थिति क्या होती है, वो पवने जब राजस्थान में अरावली पर्वतमाला तक पहुंचती है तब तक क्या होता है, अपनी आर्द्रता लगभग खो चुकी होती है, जिससे क्या इस क्षेत्र में भी बारिश कम होती है। इसीलिए राजस्थान में बार बार अकाल पड़ते हैं, क्योंकि अरब सागर से आने वाली हवाएं अरावली पर्वतमाला के समानांतर आगे निकल जाती है, हिमाचल के दक्षिण में जाके बारिश करती है शिवालिक श्रेणी से टकराकर, और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवने अरावली के पूर्व में टकराकर पूर्व की तरफ बारिश करती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी से अरावली पर्वतमाला या राजस्थान बहुत दूर पड़ जाता है, जिससे कि वो हवाएं जो आर्द्रता लेकर आती है वो यहाँ तक आते आते अपनी आर्द्रता खो देती है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में बारिश कम होती है। जलवायु वाले चैप्टर के अंदर अपन बहुत क्लियर तरीके से पढ़ेंगे इसको। NH8 जो है राजस्थान का सबसे व्यस्तम राजमार्ग जो है वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर है, बिल्कुल अरावली पर्वतमाला के साथ साथ चलता है। वर्षा देख लेते हैं एक बार, हमने तीन भागों में विभाजन कर लिया इसका। उत्तरी व मध्य अरावली में 40 से 80 सेंटीमीटर की बारिश होती है, उत्तरी व मध्य अरावली में लगभग कितनी बारिश होती है, 40 से 80 सेंटीमीटर। और ये उप आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है, उप आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है, ठीक है। जो दक्षिणी अरावली है, ये दक्षिणी अरावली है, यहाँ बारिश होती है लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर, कितनी होती है लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर। और ये आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है, कौन सी जलवायु वाला क्षेत्र है, ये आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली उप आर्द्र, दक्षिण अरावली आर्द्र, ठीक है। मिट्टी देख लेते एक बार, यहाँ काली भूरी लाल व कंकरीली मिट्टी पाई जाती है अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। कौन किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, काली भूरी लाल व कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। फसल अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ियों की ढालों पर मक्का की खेती की जाती है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ियों के ढालों पर कौन सी खेती की जाती है, मक्का की खेती की जाती है। वनस्पति देखते हैं एक बार, वैसे अरावली पर्वतीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। लेकिन जो ये सिरोही है, सिरोही के अंदर सघन वन पाए जाते हैं। वैसे अरावली में उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, लेकिन सिरोही में किस टाइप के वन पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं। ये अभी अपनी अरावली की सामान्य से जानकारी, जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें अपन उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली को अलग अलग तरीके से देखेंगे, जिससे कि अपनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।